अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खावर अब्बास चौधरी है। मैं एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं इंतहाई निगहदाश्त और सीने के जुमला अमराज का इलाज करता हूँ। आई ग्रेजुएटेड फ्राम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, फिर मैंने ट्रेनिंग इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर ली और करंटली लाहौर के अंदर सर्जी मेड हॉस्पिटल के अंदर आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट इंटेंसिविस्ट एंड स्लीप डिसऑर्डर्स स्पेशलिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट या माहिर अमराज सीना होने की हैसियत से बहुत सी बीमारियों का इलाज करना पड़ता है। पाकिस्तान में इनमें सबसे ज़्यादा जो आम बीमारी है वो एलर्जी के साथ जो दमे का होना, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, या वो ख़वातीन जो कभी लकड़ियों पे खाना पकाती रहती हैं या पकाती रही हैं माजी के अंदर, उनके अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको COPD या दायमी सांस की तंगी कहते हैं। इसके अलावा TB पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। बाकी जुमला बीमारियों के अंदर फेफड़ों का सिकुड़ना, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ कहते हैं, फेफड़े की शरियानों का प्रेशर बढ़ जाना यानी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन जिसके अंदर निमोनिया भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर्स, लंग ट्यूमर्स वो भी आ जाते हैं, उनकी तशखीस, उनका इलाज, ये सब पल्मोनोलॉजी की प्रैक्टिस का हिस्सा है। इसके अलावा जो स्लीप के डिसऑर्डर्स हैं, यानी वो अमराज जो नींद की हालत में पाए जाते हैं, ख़ासतौर पर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसको आम जबान में खराटे की वजह से जो नींद की बीमारियां पैदा होती हैं, उनका इलाज भी, उनकी तशखीस भी पल्मोनोलॉजिस्ट ही करते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि दमा क्या है। दमा बेसिकली एक सांस की एलर्जी है जिसके अंदर सांस वाली नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। अक्सर मरीज ये सवाल भी करते हैं क्या दमा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि इस तरह की बीमारी है जो कंट्रोल तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं जड़ से ख़त्म हो जाए तो वो काफ़ी मुश्किल काम है। मरीज़ों के अक्सर कंसर्न ये भी होते हैं, डॉक्टर साहब ये जो आपने मुझे इन्हेलर दिया है या देना है, क्या ये सारी उम्र के लिए लगा रहेगा? तो इसका जवाब है कि जैसे जैसे तबीयत आपकी बेहतर होती जाएगी, इसकी डोज भी कम हो सकती है। अक्सर लोगों का कंसर्न ये भी होता है कि क्या दमे के साथ मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूंगा, क्या मैं खेल सकूंगा, अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सकूंगा? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकेंगे। जैसे ही आप अपने सिम्टम्स को, अपनी जो अलामात हैं उनको कंट्रोल कर लेंगे, तो आप एक परफेक्टली नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सारी उम्र सिगरेट तो मैंने पी ली, अब क्या मेरे फेफड़ों पर उसके कुछ असरात आएंगे? जी हाँ, जितने साल आपने सिगरेट नोशी की है वो धुआं आपके जो लंग्स हैं उनको मुतासर ज़रूर करता रहा है, और अब उनकी जो सांस की दायमी तंगी है जिसकी वजह से सांस की नालियां सिकुड़ जाएंगी, वो बिल्कुल आपको हो सकता है, जिसको COPD कहते हैं। इसका इलाज ज़रूर किया जा सकता है, सिम्टम्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन लंग्स एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा जब वो डैमेज हो जाएं तो दोबारा से ग्रो नहीं करता। अक्सर लोगों का सवाल ये भी होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या चीज़ है, या नींद की बीमारियां भी कोई बीमारियां होती हैं? जी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक हकीकत है। पाकिस्तान में अक्सर लोग बहुत ओबीज हैं, इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स, जिसकी वजह से उनकी सांस की नालियाँ दब जाती हैं सोते हुए, जो ज़ुबान है पीछे गिर के तालुए का रास्ता रोक देती है, नींद की हालत में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस कमी की वजह से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, और इवन नींद की हालत में अचानक मौत का भी सामना कर सकते हैं आप। इसके अलावा मर्दों के अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी है वो काफ़ी कॉमन है सिर्फ स्नोरिंग की वजह से, तो खराटों को कभी भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, ये पेश खैमा है बहुत बड़ी मुसीबत के आने का। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी फेफड़ों का सिकुड़ जाना क्या है। ये एक बीमारियों का मजमूआ है जिसके बेशुमार अलामात हैं, बेशुमार वजूहात की वजह से ये होती हैं, और अगर वक्त पे इनका इलाज ना किया जाए तो लंग्स आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ के वो नौबत भी आ सकती है कि खुदा न खास्ता आपको लंग्स बदलवाना पड़े, यानी लंग ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़े। तो जितनी जल्दी आप इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, इतनी जल्दी आप पॉजिटिव नतायज हासिल कर सकते हैं। अक्सर मरीज ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी के अंदर खून आ रहा है, जब भी मैं खांसी करता हूँ तो थोड़े बहुत लाली उसमें ज़रूर आती है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं। सांस के अंदर या खांसी के साथ, बलगम के साथ खून का आना अंडरलाइंग किसी पैथोलॉजी को शो करता है। इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आपके फर्दर टेस्ट, जिसमें
एक्सरे भी हो सकता है, सीटी स्कैन भी हो सकता है, ब्रोंकोस्कोपी भी हो सकती है, इन सब को करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर आप किसी पल्मोनरी बीमारी की वजह से मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो मरहम की वेबसाइट पर जाके उनके जो बुकिंग सिस्टम है उसके ज़रिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं।